जहां पूरे देश में प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद दिहाड़ी मजदूरों से लेकर गरीबों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं रायबरेली से सदर विधायक आदित्य सिंह के ने गरीब परिवारों को राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी ली और लगातार उन परिवारों को राशन पहुंचा रही है जिन परिवारों को राशन की जरूरत है। वह निरंतर उन लोगों को पहुंचा रही है जिनको राशन की अत्यंत आवश्यकता है। वह लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। यही कारण है कि वह लोगों के दिलों में राज करती हैं। कहीं ना कहीं उनका यह मददगार स्वभाव भी उन्हें इस ओहदे पर लाने में सहायक सिद्ध हुआ है। आपको बता दें कि रायबरेली से सदर विधायक आदित्य सिंह बाहुबली स्वर्गीय अखिलेश सिंह की बेटी है और रायबरेली में स्वर्गीय अखिलेश सिंह को लोग गरीबों का मसीहा मानते हैं। वहीं रायबरेली के लोगों का कहना है कि आदित्य सिंह अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे चल रही हैं। जिस तरह हमारे विधायक हम लोगों के दुख दर्द में शामिल होते थे, उसी तरह से आदित्य सिंह भी हम लोगों के दुख दर्द में पहुंचती हैं। वहीं आदित्य सिंह ने कहा कि मुझे यह प्रेरणा मेरे पिताजी से विरासत में मिली है। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। रायबरेली में आज सदर विधायक अखिलेश जी को बहुत ज्यादा याद किया जा रहा है, आप उनकी प्रेरणा से यहाँ रायबरेली में राशन वितरण कर रही हैं, तो आपका यह कार्यक्रम कब तक चालू रहेगा? जब तक लॉकडाउन है तब तक चालू रहेगा, है ना। कहीं कभी हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं उन इलाकों में जहाँ डेली कमाने खाने वाले लोग ज्यादा हैं, ज्यादा हैं, श्रमिक लोग ज्यादा हैं, तो मेन फोकस वही है। क्योंकि जो किसान वर्ग है, छोटे से छोटे किसान, पर इतना होता है कि वो कम से कम खाने लायक अपना निकाल लेता है, पर जो डेली खाने कमाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत समस्या आ जाती है इतने टाइम पे। तो ये कार्यक्रम हमारा, मतलब हमारे, या तो हमारे माध्यम से या जो हमारे कार्यकर्ता और सारे सहयोगी लोग हैं उनके माध्यम से, जब से कर्फ्यू चालू हुआ तब से चल रहा है और जब तक 14 तारीख 15 तारीख को जब तक खत्म होगा तब तक चलता है। अगर ऐसे में अगर कर्फ्यू बढ़ जाता है तो फिर क्या प्राथमिकता होगी कि राशन बराबर पहुंचता रहेगा? कर्फ्यू बढ़ेगा तो मतलब जाहिर है कि हम लोग को भी अपना कार्यक्रम जारी रखना पड़ेगा। हमारी तैयारी है कि यदि अगर कर्फ्यू बढ़ता भी है तो भी हम लोग अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे, जितना हो सकता है अपनी जेब से ही कर रहे हैं, तो जब तक हो सकेगा, जितना ऊपर वाले ने दिया है उतना अपनी जनता पे हम लोग का करना हमारा फर्ज है। और अगर हमारे पिताजी आज होते तो शायद हमसे दोगुना कर रहे, तो उन्हीं को प्रेरणा सूत्र मानते हुए हम लोग भी जितना हमसे बल पड़ रहा है अपना अपनी जनता का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.